मनीषन बरखा बहुत ही अच्छा इंसान है और बरखा के साथ मैंने काफ़ी सारी स्टेज शोज़ किए हैं, परफॉर्मेंसेस किए हैं, सो दैट्स हाउ आई नो हर। और मनीष को मैंने थ्रू मानव ही जाना है और ये पिक्चर मेरे बेस्ट फ्रेंड मानव ने बनाई है। आई थिंक उसके साथ आप लोग मेरा अगर इंस्टा या फेसबुक फॉलो करोगे, हर दो दिन में मानव के साथ मैंने पिक्स है, सो इज़ लाइक माई बेस्ट बडी एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि उसने इतनी अच्छी फिल्म बनाई है। और मनीष एंड बरखा ऑफकोर्स दे आर वेरी गुड एक्टर्स, एवरीबडी नोज दैट। ऑफकोर्स या आजकल सब इतने करियर ओरिएंटेड हो गए हैं दैट यू नो अपनी पर्सनल लाइफ को सब लोग ने मतलब साइड लाइन कर दिया है। दे फॉरगॉटन देयर फैमिलीज, दे फॉरगॉटन देयर पर्सनल लाइफ, सब भागते रहते और शायद टाइम नहीं दे पाते अपनी फैमिली को। सो आई गेस ये पिक्चर उसी के ऊपर है एंड मैं यही कहूँगी कि अपनी करियर तो है ही, बट यस फैमिली इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे पावरफुल किरदार करने बहुत अच्छे लगते हैं एंड यस आई एम वेरी हैप्पी कि नागिन अच्छा चल रहा है एंड ऑडियंस को पसंद आ रहा है। आई थिंक जो फैंटेसी ड्रामा है वही लोगों को अच्छा लग रहा है और नागिन जो कॉन्सेप्ट है वो सालों से इंडियन ऑडियंस को बहुत अच्छा लग रहा है। फिल्में नागिन की देखने को लोग पसंद करते हैं, सो आई थिंक दैट्स मे बी वन ऑफ द रीजन। कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ बिकॉज मैं मनीष को जितना जानती हूँ इज़ वेरी इंटेलिजेंट और वो ऐसे ही कुछ नहीं करेगा। एंड देन आफ्टर मीटिंग मानव whom I didn't know, I just got introduced to him, इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट माने एनवायरमेंट, पूरा जो माने जिसे कहते हैं गैंग है, वेरी इंटेलिजेंट गैंग। सो आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग वेरी नाइस एंड बरखा इज़ ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, माई वेरी गुड फ्रेंड, सो बहुत ही कुछ अच्छा ही मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। इट वॉज अ शॉकिंग सरप्राइज फॉर मी बिकॉज दोनों ही मेरे दोस्त हैं पर दोनों ने एक साथ काम भी किया ये मुझे पता नहीं था, यही मैं उनसे कभी कंप्लेन कर रही थी, कभी बताया ही नहीं था। एंड आई थिंक आई रियली वॉन्ट टू सी हाउ डू दे लुक एज अ पेयर बिकॉज इट्स एनी वे ऑन रिलेशनशिप, सो तो सब कुछ यही मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग वेरी फ्रेश एंड नाइस, नॉट द टिपिकल काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन विच वी ऑल हैव सीन। सो दैट ऐसा मैंने सुना है हाल ही में कि ससुराल में वो लोग फिर मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो भी रीज़न है, बिकॉज ससुराल सिमर का इज समथिंग आई लव्ड वर्किंग इन एंड सेकेंडली आई एम साइनिंग समथिंग, आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट। फिलहाल मैं फैशन शोज लेकर काफ़ी बिजी हूँ और अगर एज आई एम हियरिंग एवरीथिंग अगर सब कुछ चलना शुरू होगा तो नेक्स्ट वीक से मैं बहुत बिजी हो जाऊँगी और अगर ससुराल में आ गई तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। नहीं एक्चुअली व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर विच वाज आफ्टर विनिंग मिस इंडिया आई डिड अ लॉट ऑफ हिंदी मूवीज, तो एक भी नहीं चली, आई हैव बीन वन ऑफ दोज जिनकी फिल्में नहीं चली, बट टीवी डिड वंडर्स फॉर मी। आई डू बंगाली फिल्म्स ऑन एंड ऑफ तो वो करती रहूँगी और हिंदी में बहुत कुछ अच्छा रोल मुझे मिल गया तो क्योंकि अभी तो हीरोइन का रोल प्ले करना ऐसी कोई उम्मीद नहीं करती हूँ एंड कुछ अच्छा एक अच्छा कैरेक्टर मिले इसकी उम्मीद डेफिनेटली है तो मैं डेफिनेटली करूँगी। थैंक यू। बातें बहुत बातें हो जाती हैं और कुछ रह जाती है अनकही, तो इट्स ऑल अबाउट दैट।
मुझे ज़रा भी नहीं पता इसकी स्टोरी क्या है ऑल, बट मनीष भाई और बल्खा है एंड ऑफकोर्स मेरे दोस्त ने इसे डायरेक्ट किया है, तो मैं इसे देखने आई हूँ। मैं जानना भी नहीं चाहती थी एग्जैक्टली किस चीज़ के बारे में, ताकि मुझे भी सडनली पता चले तो मेरा रिएक्शन एक प्रॉपर वे में आए। और मैं ये और इसलिए देखना चाहती हूँ क्योंकि अभिका ने इसमें असिस्ट किया है, तो मुझे देखना है एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर अभिका ने क्या किया है यहाँ पर। सो जस्ट लेट्स सी, आई एम सुपर एक्साइटेड देखने के लिए व्हाट्स गोना हैपन। हाँ, व्हेन इट कम्स टू अभी अभी का जो आई एम डेटिंग गाय ईशान, ऑफकोर्स ही स्टैंडिंग देयर, तो जब ये रिलेशनशिप शुरू हुआ इट वॉज लाइक ऐसी था कि कुछ नहीं थी, अनकही चीज़ें थी जो चीज़ें फिर शुरू हो गई। ओके, शुरू होने के बाद फिर चीज़ें कही गई, तो आई वर से या मैंने इसे एक्सपीरियंस किया है। एक्चुअली ऑफकोर्स वो तो है ही है, मगर आई विल से हर किसी ने ससुराल सिमर का मैं भाई और अविका को देखा है, मनीष भाई और अविका को बहुत देखा है, तो एज अ चेंज दिस विल बी समथिंग डिफरेंट होना चाहिए, मगर आई एम रियली वेरी हैप्पी कि अविका ने यहाँ असिस्ट किया है, सो दैट इज़ अगेन ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर अविका। सो आई गेस मनीष भाई के लिए ये ठीक था और अविका के लिए वो ठीक था, सो इट्स गुड। अभी अभी जैसे मैंने साथ किया से मैंने रेजिग्नेशन डाला है, अगर जनवरी इज माई लास्ट मंथ, उसके बाद आई एम गोना ब्रेक ऑफ 2-3 मंथ्स एंड आई एम गोना हंट फॉर अ न्यू थिंग। ऑफकोर्स नॉट एग्जैक्टली हिंदी मूवीज में बोलोगे तो नॉट इंटरेस्टेड, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर साउथ मूवीज, आई एम ट्राइंग टू साउथ मूवीज। देखिए बरखा के साथ मैंने काम नहीं किया, बट आई नो हर एज अ वेरी गुड एक्टर, और मनीष के साथ तो मैं काम ही कर रहा हूँ तो उसका तो मुझे पता है, वो बहुत ही नए नए तरीके से एक पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्लोर करता है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फिल्म। और मानव उससे भी मैं बहुत एक्सपेक्ट करता हूँ, आई होप मेरी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरेगा। ये जो फिल्म है इसका सब्जेक्ट तो ह्यूमन रिलेशनशिप पे है, तो आप कौन सी चीज़ों से कमेंट करना चाहेंगे, आपको पर्सनल लेवल क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए? देखिए पर्सनल टच तो हर जगह होना ज़रूरी है ही, चाहे प्रोफेशनल काम आप करें, दो एक्टर्स के बीच में ही पर्सनल टच होना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक इट्स अ वेल डेटेड फिल्म, आज की डेट के हिसाब से फिल्म है, और बाकी मैं फिल्म देखूंगा उसके बाद कमेंट करूँगा। यस नहीं, एक्चुअली अभी तक तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी था सीरियल करने में, एंड देन पिछले एक महीने से मैं हॉलीडे कर रहा हूँ, नाउ एम गेटिंग बैक टू वर्क, देर आर कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स, शायद सिमर वापस ज्वाइन करूँगा, एक फिल्म की बात चल रही है, लेट्स सी, अगर मुझे बीच में टाइम मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली डू अ शॉर्ट फिल्म। आई थिंक शॉर्ट फिल्म के लिए एक कुछ नॉर्मल से हट के सब्जेक्ट होना चाहिए, थोड़ा डार्क होना चाहिए मेरे हिसाब से, देन आई वांट टू एक्सप्लोर दैट जॉनर। थैंक यू। मैं मनीष के साथ काम कर चुकी हूँ ससुराल सिमर का में, एंड बहुत 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 अच्छे इंसान है एंड वेरी वेरी नाइस आर्टिस्ट, बहुत नेचुरल है और वर्क को वर्क की तरह बहुत सीरियसली लेते हैं, बट ऑल्सो बहुत कम्फर्टेबल कर देते सबको, एंड इट्स लाइक फैमिली फॉर हिम, तो बहुत अच्छे से वो यू नो वर्क जो उनके साथ करता है बहुत अच्छा लगता है। जी मेरे लिए दोनों रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल और पर्सनल, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं पर्सनल हो जाते हैं, बिकॉज हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, 12-12, 14-14 घंटे उनके साथ काम करते थे, लाइक फैमिली, कोई भाई बन जाता है, बहन बन जाती है, यू नो, सो इट्स ऑल लाइक अ फैमिली। मैं हर सब्जेक्ट के लिए ओपन हूँ, बिकॉज वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, और आई थिंक वो बहुत अच्छा होगा, बहुत एक्साइटिंग होगा कोई भी सब्जेक्ट हो। सॉरी, अभी एक न्यू शो करूँगी मैं स्टार प्लस पर, इश्क बाज,
जो अब हम शूट करना शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से. सो आई होप सब देखें और सबको अच्छा लगे. थैंक यू. दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत पुराने एक्टर्स हैं इस इंडस्ट्री के. आई एम श्योर दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है. पर आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इस फिल्म में मैंने एक गेस्ट अपीयरेंस किया है. और मैंने देखा नहीं अब तक पूरी फिल्म, बट मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मुझे पता है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. इस फिल्म का जो डायरेक्टर है वो मेरे लिए एक डायरेक्टर ही नहीं, मेरा भाई है. हम दोनों एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते हैं और जब हमने सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी और वो डायरेक्टर बनेगा, और आज हम दोनों ने साथ में काम किया है. दोनों को इस प्लेटफॉर्म में देखकर एक दूसरे को बहुत खुशी हो रही है. आई थिंक दोनों पर्सनल लाइफ अलग रखें और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखें तो बहुत अच्छा रहता है लोगों के लिए, सबके लिए. आई थिंक पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए. मुझे अब तक पता नहीं क्योंकि ये मेरी पहली शॉर्ट फिल्म है, वो भी एज अ गेस्ट अपीयरेंस. सो आई थिंक अब मैं इस ब्रैकेट में घुसी हूँ तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा समझ पाऊँगी. थैंक काम करना चाहूँगी. शॉर्ट फिल्म जो
सब्जेक्ट पे बेस्ड और बहुत करीब ले जाती है आपको, मैं ज़रूर चाहूँगी शॉर्ट फिल्म में काम करना। पर आज हमें पता